हाँ, मेरा पहला ड्रोन फाइनली इसकी डिलीवरी हो गई है अमेजोन से, और अभी मैं इसको अनरैप करने वाला हूँ। दिखाता हूँ आपको कि वीडियो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है और इसका। तो ये रहा गाइस अपना ड्रोन, ये मैंने मंगाया है, गरुड़ा का ड्रोन मंगाया है मैंने, जो कि मेड इन इंडिया ड्रोन है। और ये रहे इसके फीचर्स, जाता है डुअल कैमरा 1080p और 720p, और साथ ही साथ है इसमें 120 वाइड एंगल कैमरा। उसके बाद इसमें हमको मिल जाता है ऑप्टिकल फ्लो, पोजिशनल लॉकिंग, 1800 mAh की बैटरी है, तो ऑलमोस्ट 15 मिनट तक तो ये सपोर्ट करना चाहिए फ्लाइंग टाइम को। उसके बाद स्मार्टफोन ऐप कंट्रोल है इसमें। इसके बाद इसमें है FPV VR सपोर्ट, मतलब VR सपोर्ट भी है, वर्चुअल सेल्फी मोड है, 1 key रिटर्न है, फोल्डेबल डिज़ाइन और एडजस्टेबल कैमरा। तो ठीक है, चलिए बॉक्स ओपन करके देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है। तो ये रहा गाइज अपना ड्रोन, और ये रही इसकी मैनुअल। हाँ, अपना ड्रोन गाइज, इसको सबसे पहले तो अनफोल्ड करना है मुझे। तो ये इसको इस तरीके से अपन सबसे पहले इसके जो फ्लैप्स हैं उनको ओपन कर लेते हैं, और ये ओपन हो चुका है कुछ इस तरीके से। इसका कंप्लीट जो है मैं आपको फ्लाइंग वगैरह करके इसके कैमरे की जो क्लैरिटी है वो सब भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं उन सब वीडियोस में इनके बारे में रिव्यू तो है, लेकिन कैमरे की क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छे से नहीं दिखाई गई। और क्योंकि वीलॉग वगैरह बनाने के लिए हमको कैमरे की ही इम्पोर्टेंस होती है, तो इसका कैमरा किस तरीके से वर्क करता है उसका भी कंप्लीट मैं आपको डिटेल्स जो है वो शेयर करूँगा। फिलहाल ये रहा इसका रिमोट और बैग, और मुझे इसमें क्या मिल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ बॉक्स के अंदर। और हमें मिल रहा है एक्स्ट्रा प्रोपेलर हैं, और साथ ही साथ में चार्जिंग केबल है, और एक स्क्रू ड्राइवर भी है इसमें। ये देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर है, और ये रहा इसका चार्जिंग केबल, और ये एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी दिए हुए हैं, और ये है साथ ही साथ में प्रोपेलर गार्ड भी दिया हुआ है। और ये रही बैटरी, तो ये बैटरी जो है वो जाएगी यहाँ पे, और ये देखिए आपका ड्रोन ऑन हो चुका है, लाइटिंग वगैरह आ चुकी है गाइस। तो ड्रोन चालू है, सबसे पहले तो उसके लिए मैनुअल है, और इसको सबसे पहले मुझे अगर अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है तो मेरे को इसका ऐप डाउनलोड करना होगा, तो इसका हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं गाइस। तो गाइस अभी अपन आ गए हैं ओपन फील्ड में इसको ड्रोन को चेक करने के लिए, इसकी कैमरे की क्लैरिटी साथ ही साथ स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है और ये कितने ऊपर तक जाता है ये सब कुछ अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, और फ़ोन से और ड्रोन को दोनों को कनेक्ट कर लिया है। और जो हमारा रिमोट है उस रिमोट में 3 बैटरी लगानी पड़ती है, जो कि मुझे परचेज़ करनी पड़ी है, वो बॉक्स में नहीं आता है। और उसके बाद ये देखिए कनेक्ट करने के बाद ये फ्लाई करना शुरू हो चुका है, और ये मैंने इवनिंग में उड़ाया था, तो इवनिंग के टाइम पे आप देख सकते हो कि कैसी है क्लैरिटी। स्टेबिलिटी का तो उतना कोई इशू नहीं है, स्टेबल है, काफ़ी अच्छा स्टेबल है ड्रोन, और एक जगह पे ही आप रखते हैं तो एक जगह पे ही रुका हुआ रहता है, और 1 key जो आपका है आपका 1 key से टेक ऑफ हो जाता है ईज़िली। तो फंक्शन तो बहुत ही अच्छे हैं और ईजी है फ्लाई करने में। आप थोड़ा ये देखते हैं कि कितना स्टेबल रहता है, और कैमरे की क्लैरिटी जो है वो तो आप इस फुटेज में देख ही सकते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली जो है पूरी की पूरी फुटेज में आपको दिखाऊंगा। और ये इवनिंग का है तो उतनी ज़्यादा आपको डार्क तो दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं कैमरे को रोटेट करता हूँ तो दूसरी तरफ की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। तो ये तो रात का व्यू हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ डे में मैंने जो फुटेज लिए हैं वो कैसे आए हैं। तो गाइज़ ये रहा हमारा डे का फुटेज, तो अभी मैं डे में इसको फ्लाई कर रहा हूँ। वैसे तो कोई इशू मुझे अभी तक इसमें समझ में नहीं आया है, ऐप से बहुत अच्छे से ये कनेक्ट हो जाता है,
बट बीच बीच में जो है ये वाईफाई को छोड़ देता है और जिसके कारण कनेक्टिविटी जो है वो लूज़ हो जाती है। और आप जब इसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाते हैं तो एक और प्रॉब्लम है कि ये चीज़ जो मैंने बहुत से रिव्यूज़ देखे हैं उसमें किसी ने नहीं बताया है कि जब आप इसको ऊपर लेके जाते हैं ड्रोन को तो एक सर्टेन हाइट के बाद जो है ये आपके रिमोट से कंट्रोल नहीं होता है, हवा जिस तरफ की भी होती है ये उस तरफ ही भागने लगता है और उसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यदि आप नया नया ड्रोन उड़ा रहे हो तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हवा की दिशा में ही जाता जाएगा और फिर आपको उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा और उसको जहाँ पे वहाँ पे लैंड कराना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ और अभी भी जो मैं इसको उड़ा रहा हूँ इस ग्राउंड में काफ़ी तेज़ हवा चल रही है तो मैं इसको ऊपर ले जाने के लिए डर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम ये जैसे दूर भाग गया था मेरे को काफ़ी दूर इसको भाग के नीचे लैंड कराना पड़ा और लकीली ये जो है वो झाड़ियों के ऊपर लैंड हुआ था तो किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं हुआ इसको। लेकिन अगर आप तेज़ हवा में उड़ा रहे हैं यदि आप उसके लिए आपका यूज़ कुछ ऐसा है तो मैं आपको ये ड्रोन लेने के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। बाकी हाँ, यदि आपको ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए है और आप फुटेज देख सकते हो, कैमरे की क्लैरिटी कंपैरेटिवली जो इस प्राइस रेंज में है कैमरे जो ड्रोन आते हैं उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। कैमरा इसका बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लेकिन जो स्टेबिलिटी है स्टेबिलिटी भी नीचे के जगह पे अच्छी है लेकिन जब आप इसको ऊपर फ्लाई करते हो तो ये हवा के साथ उड़ जाता है और फिर इसको अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो आपको जो बैक साइड का बटन होता है उसको कंटिन्यू प्रेस करके रखना होता है और आप लेफ़्ट राइट जहाँ भी आप करना चाहें कर सकते हैं, जितना ऊपर ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन आपको बैक साइड वाला बटन कंटिन्यू प्रेस करके रखना पड़ता है ताकि ये आगे ना जाए। और हाँ, यदि आपको और भी दिक्कत हो रही है तो आप इसकी जो स्पीड मोड है मैंने स्पीड मोड भी चेंज किए, अगर आप इसको फर्स्ट स्पीड पे रखते हैं तो बिल्कुल भी ये कंट्रोल में नहीं होगा अगर हवा में उड़ रहा है, तो आप इसको सेकंड या थर्ड में लेके जाइए स्पीड पे और उसके बाद फिर आप बैक का बटन दबाइए तब कहीं ये जाके आपके पास वापस आएगा। अभी भी मैंने इसको सेकंड में रखा हुआ है स्पीड में और इसमें मैं बैक का बटन कंटिन्यू दबा के रखा हूँ जो इस हाइट पे लेके गया हूँ, उसके बाद भी ये कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो गाइज़ ये था कंप्लीट रिव्यू हमारे गरुड़ा ड्रोन का। तो अब आप भी देख सकते हैं कि इसकी कैमरे की क्लैरिटी कैसी है। बाकी इसके फंक्शंस तो मुझे अच्छे लगे लेकिन सिर्फ एक ही इशू है कि आप इसको तेज़ हवा में उड़ा नहीं सकते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका क्या यूज़ है और अकॉर्डिंगली आप लोग कॉल ले सकते हैं कि आपको ये ड्रोन लेना है या नहीं लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।